हाय, मैं हूं प्रणव और कर्नाटका टूर में आपका स्वागत है। अभी हम जोग वाटरफॉल से बनावासी जाने के लिए निकल चुके हैं। जोग टू बनावासी जाने के लिए दो रूट है। फर्स्ट रूट है जोग वाटरफॉल से सिद्धापुर, सिद्धापुर से सिरसी और सिरसी से बनावासी। इस रूट से कम से कम 2 घंटे लगते हैं और ये काफ़ी अच्छा रोड है। जो दूसरा रूट है बनावासी से सिद्धापुर और सिद्धापुर से डायरेक्ट बनावासी, ये थोड़ा कच्चा रूट है, लेकिन इस रूट से जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है और यही सेकंड रूट से हम बनावासी जा रहे हैं। और इसी रूट का मैप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप वहां से ले सकते हैं। जोग टू सिद्धापुर जाते वक्त काफ़ी अच्छा रूट है, लेकिन सिद्धापुर से बनावासी जाने के लिए जो सेकंड रूट है उसमें से आधा रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन लास्ट के 5 या 6 किलोमीटर एक कच्चा रास्ता है। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा रास्ता कैसा है, इससे आप डिसाइड करो कि आपको इस रूट से जाना है या नहीं जाना है। और आखिरकार हम बनावासी पहुंच गए हैं और बनावासी में हम जा रहे हैं मधुकेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है और यह कदंब वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अंधेरा होने वाला है और हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। बनावासी का मुख्य आकर्षण है मधुकेश्वर मंदिर। वो 9वीं शताब्दी में राजाओं द्वारा बनाया गया था और ये कर्नाटक का सबसे पुराना मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि कदंब राजा के पहले राजा मयूर शर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया गया है और चालुक्य और होयसल जैसे राजवंशों के शासन के दौरान भी मधुकेश्वर मंदिर में कई बदलाव हुए। मधुकेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और उसमें से ही सुंदर है दीवारों और खंभों पर किया हुआ नक्शीकाम। मंदिर की और एक विशेष बात है कि मंदिर के केंद्र में स्थित अखंड सुंदर नंदी, यह नंदी की ऊंचाई लगभग 7 फुट है। इस नंदी की एक विशेष बात है ये वो इसकी आंखें। उस नंदी के सामने है भगवान शिव का मंदिर और उसी के बाजू में माता पार्वती का मंदिर। अगर आप ध्यान से देखते हो ऐसा प्रतीत होता है कि नंदी एक साथ भगवान शिव को और पार्वती को देख रहा है। इस नंदी की मूर्ति की एक विशेष बात है और एक पहेली है कि जब आप नंदी की आंखों को देखेंगे तो मधुकेश्वर की सभागृह से नंदी की एक आंख देखी जा सकती है और पार्वती के पवित्र स्थान से आप नंदी की दूसरी आंख देख सकते हैं। इस मंदिर में और एक खास बात है जो है भगवान गणेश जी की आदि मूर्ति, जो आदि मूर्ति वाराणसी में है और उसका निचला भाग यहाँ पे बनावासी में है जो मधुकेश्वर मंदिर में है। मंदिर के अंदर एक भगवान नरसिंह की मूर्ति है और उसकी विशेष बात है जो उसका शांतिपूर्ण चेहरा। उसके अलावा मंदिर में 5 सिर वाला नागा की मूर्ति है और जो 2वीं शताब्दी में बनाई गई है और मंदिर काफी सुंदर है और एक वास्तुकला का अच्छा नमूना है। मंदिर के बाहर ही एक बड़ा सा रथ है, वो काफी देखने जैसा है और काफी सुंदर है। शाम के 6:30 बजे है और बनावासी में नाश्ता और चाय के अलावा कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए भी हमें जाना है सिरसी, क्योंकि सिरसी में हमने एक होटल बुक किया है, उस होटल का नाम सम्राट है और उसका पूरे डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसी के साथ ही मैं हमारा बनावासी और मधुकेश्वर मंदिर का सफर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो है, मेरा अगला वीडियो है सिरसी टू याना का सफर और याना की पूरी जानकारी, तो देखना ना भूलिएगा।